यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एमोंग LiCl यानी लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम डाइक्लोराइड, बोरान ट्राइक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमारे चार मॉलिक्यूल्स हैं। इन सब में द कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर फॉलोज द ऑर्डर। तो इसमें जो है कोवेलेंट बॉन्ड का जो कैरेक्टर है वो किस ऑर्डर में होगा, यानी उसका हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आंसर होगा सी, यानी लिथियम क्लोराइड इसमें सबसे ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा, और कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें आयोनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा यानी कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। यह किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। हम जानते हैं कि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन, अगर क्लोरीन के साथ यानी Cl2 बनाएगा तो यहाँ पर क्लोरीन का साइज और क्लोरीन का साइज ये सेम एटम होने की वजह से क्या होंगे, इनके बीच का जो शेयरिंग बॉन्ड होगा वो दोनों के बिल्कुल बीच में होगा, यानी 100% इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, 100% होगा। पी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच जो बॉन्ड बनता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल F2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, इनमें क्या होता है 100% कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। पी ब्लॉक के एलिमेंट आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और सेम एटम हो तो क्या होता है 100% कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो जैसा कि हमने देखा पी ब्लॉक के एलिमेंट, जब पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ जो है बॉन्ड बनाएंगे तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन जब एस ब्लॉक के एलिमेंट पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ जब बॉन्ड बनाएंगे तो ये होता है आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं इनको क्या करना पड़ता है, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो ये क्या करते हैं, शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन एस ब्लॉक के एलिमेंट पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि एस ब्लॉक के एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देना होता है, इनके पास ज़्यादा होता है और पी ब्लॉक के एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इसे लेना पड़ता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं एस ब्लॉक के, और पी ब्लॉक के जो है एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। तो यहाँ पर बनता है आयनिक बॉन्ड, और पी ब्लॉक के एलिमेंट में शेयरिंग से क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर हम हमारे ऑप्शन सी जो हमारा आंसर है उसमें अगर हम देखें तो लिथियम क्या है, हमारा एल्कली मेटल है यानी एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और बेरिलियम क्या है, हमारा एल्कली अर्थ मेटल है यानी ये भी एस ब्लॉक का एलिमेंट है, यानी हमारे लिथियम और बेरिलियम ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है। तो डेफिनेटली ये क्या करेंगे, क्लोरीन के साथ यानी पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड। यानी इतना तो कन्फर्म हो गया कि ये दोनों क्या करेंगे, लिथियम और बेरिलियम आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है, बोरान और कार्बन ये क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट है, और क्लोरीन भी क्या है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो हम जानते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट आपस में क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर आयनिक बॉन्ड रखने वाले और कोवेलेंट बॉन्ड रखने वाले दो कंपाउंड्स, दो मॉलिक्यूल्स अलग कर लिए हैं। अब इनमें अगर हम आपस में देखें लिथियम और बेरिलियम में, हम जानते हैं कि लिथियम क्या है, पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट में होता है, यानी इसका साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। और बेरिलियम क्या है, उसके बाद आता है यानी सेकंड पीरियड में, सबसे पहले क्या आता है लिथियम, और लिथियम के बाद फिर क्या आता है, बेरिलियम। यानी हम लेफ़्ट टू अगर राइट जाते हैं पीरियड में, सेकंड पीरियड में लेफ़्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, साइज़ घटता चला जाता है। तो फजान ने क्या कहा था कि आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर बताने के लिए फजान ने यह रूल दिया था कि अगर पॉजिटिव आयन पे चार्ज ज़्यादा हो तो यहाँ लिथियम पे क्या होता है 1 पॉजिटिव और बेरिलियम पर क्या होता है 2 पॉजिटिव। तो फजान ने यह कहा था कि कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने के लिए पॉजिटिव आयन पर चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने से क्या होता है, साइज़ कम हो जाता है, क्योंकि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, यानी सेंटर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं और बाहर
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाने से जो है सेंटर क्या करता है, आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को खींच के साइज़ को छोटा कर देता है। और साइज़ छोटा होने से क्या होता है, हमारे आयन की, पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो वो क्या करता है, निगेटिव आयन से मान लो यहाँ पर क्लोरीन है तो उससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने लगता है। यानी बेरिलियम ने जो इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए थे, क्लोरीन को दिए थे, वो उसको वापस खींचने लगता है। और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी बीच में आने लगती है, यानी कोवेलेंसी बढ़ जाती है। और यहाँ पर अगर देखें तो लिथियम का साइज़ बड़ा है तो ये क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ये फट से अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा और अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाएगा। लेकिन जस्ट उसके बाद में बेरिलियम क्या होगा, साइज़ छोटा होने की वजह से आयनिक बॉन्ड बनाएगा, लेकिन उसमें क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू फजान रूल इसमें जो है हल्का सा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। यानी इन दोनों में अगर हम देखें, LiCl और BeCl2 में, यहाँ पे जो है BeCl2 में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा आयनिक LiCl, उससे कम BeCl2, यानी BeCl2 में थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। अब हम यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन क्या हैं, BeCl3 और CCl4 में देखेंगे। हमारे बोरान और कार्बन में अगर हम देखें तो क्या होगा, जैसे जैसे वही हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, बोरान क्या होता है, इसके पास जो है 5 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और कार्बन इसके पास 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, बोरान का साइज़ अगर ये है तो कार्बन का साइज़ थोड़ा और कम हो जाएगा। और हमारे यहाँ चारों ऑप्शंस में अगर हम देखें तो क्लोरीन यानी निगेटिव जो आयन है वो सब में कॉमन है, क्लोरीन सबसे जुड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, हम जानते हैं कि साइज़ जो है एटम का छोटा होता जाता है, तो ये क्या होगा, क्लोरीन एटम के करीब आता जाएगा। और हम जानते हैं जब साइज़ सेम हो तो 100% कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, लेकिन यहाँ पर जो है क्लोरीन क्लोरीन के साथ नहीं बना रहा है, तो जो है साइज़ में थोड़ा चेंज तो रहेगा। तो हम जानते हैं बोरान भी पी ब्लॉक एलिमेंट है, कार्बन भी, तो ये क्या है, क्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ज़्यादा साइज़ छोटा है किसका, कार्बन का, जो किसके करीब है, क्लोरीन के करीब है, तो ये क्या बनाएगा, क्लोरीन के साथ ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखने वाला बॉन्ड बनाएगा। यानी सबसे अच्छा जो है इन चारों ऑप्शंस में कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा, CCl4 में होगा। यानी इस बेसिस पर अगर हम देखें तो LiCl इसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, BiCl2 इसमें आयनिक कैरेक्टर कम हो गया, यानी इसमें क्या हुआ, हल्का सा कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आ गया। फिर हम BCl3 में देखें तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, लेकिन क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, और जैसे ही हम CCl4 की तरफ जाएंगे तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा और बढ़ता चला जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।